सुपु, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या बकवास है ये सब? मेरे कजिन से बढ़कर तुम मेरे दोस्त रहे। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेल के लिए सबके साथ लड़ी हूँ मैं। जैन ने भी तुम्हारा साथ दिया। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसा झूठ मत बोलो जिसकी कोई माफी ना हो। तुम्हारा यकीन यहाँ कोई नहीं करने वाला, और खास करके जैन, क्योंकि जैन को मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा है। रेहान, लेकिन सिर्फ एक कार्ड के बेसिस पर तुम आलिया पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? नहीं मैम, मैंने आलिया पर कब इल्जाम लगाया? और फिर मैं होता कौन हूं इल्जाम लगाने वाला? मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। रेहान ने सब कुछ बता ही दिया है तो मुझे और क्या कहने की जरूरत है? जरूरी नहीं है कि जो रेहान ने दिखा वो सच है। सच मैं बताती हूँ, सुपु ने मुझे किचन में उठाया तो था, पर ये कहकर के क्या कर रहे हो जुबैर? अरे बहुत बड़ा कॉकरोच है, तुम्हारी जान बचा रहा। कॉकरोच कहाँ? और आज रिहान जी के घर से हम निकले तो जरूर थे, पर तुम्हारी बर्थडे की प्लानिंग कर रहे। ऑफिस में मैं जुबे से मिले भी नहीं। पता नहीं रिहान जी ये सब क्यों कह रहे हैं। आलू, क्यों डिफेंड कर रही हो अपने आप को? क्या फायदा, इतना वक्त निकल गया अपने आप को छुपाते छुपाते, अब जब सबको पता लग ही गया तो इनकार किस बात का? जुबैर, तुम्हारे केस में वो जो विटनेस आई थी नताशा, उसे भी आलिया नहीं बुलाया होगा ना? और कौन बुलाएगा? वार्न किया था ना मैंने तुझे, झूठ मत बोलना मुझसे, और तूने हाँ भी कहा था। बताया था मैंने तुझे, झूठ दूर से ही सूंघ लेता हूं मैं, फिर भी तू पास नहीं आया। आलिया पर मैंने एक बार भी इल्जाम नहीं लगाया और तूने अपनी लव स्टोरी बना दी उसके साथ। मैं बताता हूं सच क्या है। आलिया नहीं लाई थी नताशा, आलिया नहीं लाई थी। क्या लगा था तुझे जैसे तूने अपनी एमबीए की डिग्री खरीदी, मैंने भी अपनी वकालत की डिग्री खरीदी होगी। जैन, जिस धोखे की मैं बात कर रहा हूं वो आलिया ने नहीं, इस इंसान ने दिया है। और इसने सिर्फ तुम सबको ही नहीं, सिर्फ तुम सबको ही नहीं, आलिया तक को धोखा दिया, आलिया तक को धोखा दिया। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन नताशा इसकी अलिबाई बनकर कोर्ट में आई थी। फिर नताशा के बारे में पता किया मैंने, वो शहर में ही नहीं, किसी को उसके बारे में आता पता नहीं। तभी मुझे यकीन हो गया था
कि भले ही तूने उस्मान साहब को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन आदमी तू सही नहीं। वैसे तेरी बेल के बाद आलिया मिली थी मुझे सड़क पर, और तब उसने मुझे बताया आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक है ना? ऑफ कोर्स, दुनिया के सबसे बेस्ट शौहर है वो। औरत अपने शौहर के बारे में ऐसा बोलती है तो वो अपने शौहर के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। जिस औरत ने अपने शौहर की रजामंदी के बगैर तेरी जमानत तक नहीं करवाई, जो औरत हर कदम पर अपने शौहर के साथ कदम मिलाकर चलती है, वो औरत अपने शौहर की रजामंदी के बगैर नताशा को बुलाएगी? नहीं जुबैर, आलिया ने तो नताशा को नहीं बुलाया, तो फिर किसने बुलाया? नहीं बताना तो ठीक है, अब जब इतना पता लगा लिया है तो वो भी पता चल ही जाएगा। और फिर मुझे ये कार्ड मिला, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर जब मैंने आलिया और जुबैर को किचन में देखा तो मुझे गुस्सा आया और मैंने तुमसे वो कह दिया जो मेरे दिल में था। आपको इतना अच्छा घर मिला है और इतने प्यार करने वाला शौहर, और सच्चा प्यार कभी कभी मिलता है। शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में अचानक ये ख्याल आया कि मेरे साथ जैन भी तो था। क्या तुम सही में आलिया से किचन में इश्क फरमा रहे थे, या फिर जैन के दिमाग में शक पैदा करना चाहते थे? फिर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में आलिया का आना और तुम्हारा आलिया को किस करना, तुम्हें क्या लगा? मुझे समझ में नहीं आएगा। अपना शक दूर करने के लिए मैंने आलिया को दूसरे नंबर से कॉल किया और आलिया ने फोन आंसर किया। हेलो, 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 तभी समझ गया था मैं कि तुम क्या करना चाह रहे। फिर मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारा गेम खेलने दो, कभी तो अपने गेम में फंसोगे। तुम फिर भी बाज नहीं आए, आलिया के साथ मेरे घर इफ्तारी देने पहुंच गए। समझ गया था मैं क्या करना चाह रहे हो तुम, और फिर तुम दोनों को सड़क पे ढूंढ ही लिया मैंने। जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, जैन मेरा इंतजार कर रहा है। देखो बारिश भी होने वाली है। हाँ आलू, लेकिन तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक ड्रिंक तो पी लो, उसके बाद हम घर चलते हैं। चले चलो। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। जहां इसकी जगह, ये वहीं वापस जाएगा। जेल, जेल, जेल। झूठ है सब कुछ।
नताशा को एलिबाई बना के मुझे बचाने वाले। मुझे इस घर में दोबारा लाने वाली। जैन और आलिया को अलग करने का सौदा करने वाली। और मुझे ये सब करने पर मजबूर करने वाली। ये औरत है। मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है और तुम सब खड़े सुन रहे हो? हेलो हेलो, मेरा यकीन कर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू और जैन तो मेरे बहुत अजीज है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे साथ ऐसा करने का क्या मकसद होगा मेरे पास? लेकिन इनके पास मकसद है। चुप कर, बिल्कुल चुप। मेरा बस चलता तो तुम्हें एक कदम इस घर में नहीं रखने देती। ये तो जैन ने कहा, इसलिए मैंने पनाह दी तुम्हें। इसकी हिम्मत तो देखो जैन, मुझ पे तो मत लगा रहा है। मुझ पे जैन, तुम कुछ बोलोगे भी या नहीं? ये तुम्हारी माँ पर तोहमत लगाए जा रहा है और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा है ना बेटा? I'm really sorry. जो कुछ भी किया सिर्फ इनके कहने पर किया। इन्होंने मुझे मजबूर किया है सब कहने। जानता हूँ जैन कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें इन पर हद से ज्यादा यकीन है कि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जो कुछ किया सिर्फ इनके कहने पर किया। मैं जानती हूँ जैन आलिया से कितना प्यार करता है, उसकी सबसे बड़ी खुशी है वो। How dare you? जैन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। माँ हूँ मैं उसकी, पैदा किया है मैंने इसे। ऐसी माँ होने से तो अच्छा कोई माँ हो ही ना। आप जैसी माँ पर जो अपने बच्चों को अलग कराना चाहती है, छोड़ चाहती है। माफी मांगो मम्मी से, माफी मांगो मम्मी से। जुबैर, जुबैर, माफी मांगो। काश तुम समझ पाती। मेरी फैमिली है, मेरे घर का मसला है। दोबारा इस घर की तरफ मुंह उठा के देखने की गलती भी मत करना सुबैर कुरैशी। थैंक्स ब्रो। भाई भी बोलते हो फिर थैंक्स भी बोलते हो। सच्चा प्यार किसी का भी, उसकी कद्र और हिफाजत करना हर इंसान का फर्ज होता है। और सही कहा था आपने, कुछ वक्त लिए तो मुझे भी लगा था कि आप
आई एम सॉरी। और उस दिन भी जो मैंने कहा था कि अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही तो हाफिज है, वो इसलिए कहा था क्योंकि मैंने जो कुछ भी देखा वो अल्लाह ही मुझे दिखाना चाहता था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इफ्तारी के लिए फिर से शुक्रिया। अल्लाह की बंदी, कैसे रमजान के पाक महीने में अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की, वो भी रेहान के थ्रू। इसलिए रोंदू सी शक्ल बनाना बंद करो और बददिमाग कहीं का। बड़ी कोठी देखी नहीं कि बस ऑटो के दाम बढ़ा ली। बदतमीज, नहीं किससे बात कर रहा है। अरे वाह, तुम दोनों मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो। मिस वर्ल्ड, आप तो दो दिन बाद आने वाली थी ना। ज़ैन, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। दो दिन पहले आ गई तो कौन सी बड़ी आफत आ गई। अब तुम दोनों से पूछ के इस घर में आना पड़ेगा मुझे। भाभी, सब खैरियत तो है। सब खैरियत है तुम्हारी बला से। आई बड़ी आई नहीं हो के सवाल पे सवाल पूछने लग गई हो। बदतमीज, कुछ तो तमीज सीख लो। लगता आज तो फहद भाई की खैर नहीं। और तुम्हारी भी किटकिट। अच्छा। मम्मी, तुम तो। मैं जल्दी आ गई। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या है ना, मैं इस घर में नहीं होती तो इस घर के सितारे अक्सर गर्दिश में आ जाते हैं। अल्लाह, कितना सारा एक्शन मैंने मिस कर दिया ना। किसने बताया तुम्हें? कौन बताएगा, हमारे घर में एक ही तो लाउड स्पीकर है, नफीसा बेगम। उसने मुझे बड़े मजे ले लेकर बताया कि कैसे आपके प्लान की धज्जियां उड़ गई। मम्मी, नफीसा बता रही थी कि कैसे जुबैर ने सबके सामने आप पर इल्जाम लगाया। आप चीख चीख कर कहती रही कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने भी आपकी बात पर यकीन तक नहीं किया। कमाल। लेकिन जैसे ही आलिया ने बोला कि जुबैर तुम गलत हो, ज़ैन ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। मम्मी, ये वही ज़ैन है ना जो लंदन से आपको हर रोज फोन करता था, छोटी से छोटी बात के लिए आपकी परमिशन लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, इतनी बड़ी बात हो गई और ज़ैन ने आपका पक्ष तक नहीं लिया। कमाल है, बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आप आलिया से इसलिए नहीं हार रही क्योंकि आलिया में आपसे ज्यादा अकल है। आप आलिया से सिर्फ इसलिए हार रही हैं क्योंकि आलिया की ज़ैन पर पकड़ है। आलिया ने ज़ैन की लगाम कसकर अपने हाथों में पकड़ी हुई। जब तक आलिया की पकड़ ज़ैन पर है, आप ये बाजी कभी नहीं जीत सकती। ये खेल सिर्फ वही जीतेगा जिसका ज़ैन पर काबू होगा। वो कहावत तो सुनी ही होगी, राजा की जान तोते में बसी होती है, और वैसे ही आलिया की जान ज़ैन में बसी। जिस दिन ज़ैन आलिया से अलग हुआ, आलिया अपने आप खत्म। है ना एकदम खतरनाक प्लान।